के मुख्यमंत्री से मंत्री तक लगे हुए और विपक्ष के भी पूरे ताकत झोंके हुए, क्या लगता है इस चुनाव को लेकर क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में यहाँ की जनता, इस विधानसभा की जनता एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, आजसू के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का संकल्प और मन बना है, क्योंकि 3.5 साल की सरकार हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरी तरह से झारखंड को लूटने वाली सरकार साबित हुई और हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार की प्रतीक अगर कोई सरकार पूरे देश में है तो उसका नाम है हेमंत सोरेन की सरकार। ये सरकार विकास विरोधी है, भ्रष्टाचार का समर्थन है और कह सकते हैं कि नौजवानों पर की आत्मा पर प्रहार करने वाली सरकार है। इसलिए झारखंड की 3.5 करोड़ जनता इस सरकार से आक्रोशित है और इसका परिणाम आप लोगों ने देखा होगा, रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार ने, आजसू के उम्मीदवार ने वहां पर चुनाव जीतने का काम किया और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आजसू के कार्यकर्ता जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को हराने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपना पूरा पसीना बहाने के लिए जैसा कि सर ऐसा है कि हेमंत सोरेन मंच से बोलते कि लिफाफे के खेल हो रहा है, आंसू आपका सहयोगी आंसू जो है लिफाफे के खेल कर रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं चूल्हा पार्टी के नाम। झारखंड मुक्ति लगातार अपने सत्ता का दुरुपयोग करते आई है और वो सत्ता का दुरुपयोग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धन और बल दोनों का उपयोग लगातार कर रही है और इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके अपने गिरिवान को बचाना चाहती है। सच है यहाँ पर पैसे बहाए जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और जिस प्रकार से धन पशु यहाँ पर आकर के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के पक्ष में लगातार पैसे बहा रहे हैं, ये झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि यहाँ इस क्षेत्र की जनता देख रही है और यहाँ की जनता पूरी तरह से इनके चेहरे में जो नकाब है, जो पैसे के बलबूते पर, सत्ता के बलबूते पर और अपने सत्ताधारी दलों का जो दुरुपयोग जनता देख रही है, किस प्रकार से ताकत का उपयोग करें इसका जवाब चुनाव में देने का काम करेंगे और यहाँ पर केंद्रीय गठबंधन को उम्मीदवार को चुनाव जिताने का काम। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।